जो करते रहिएगा। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, ये नाइन्थ क्लास एनसीईआरटी मैथ, एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 1.1। डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है हमका क्या कि इज जीरो ए रेशनल नंबर, 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 कैन यू राइट इन द फॉर्म पी ऑब्लिक क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटेजर्स, वेयर Q इज इक्वल नोट जीरो। तो डियर स्टूडेंट्स, आपसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि इज जीरो ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म पी बाय क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटेजर्स वेयर क्यू इज नोट जीरो। तो रेशनल नंबर मीन्स पी बाय क्यू, और P बाय क्यू कहने मतलब कि नोमिनेटर्स ऑब्लिक डिनोमिनेटर्स, प्राय लोग A बटा B के रूप में भी लिखते हैं, वेयर B इज इक्वल जीरो। लेकिन रेशनल नंबर हम इसको तभी कहेंगे जब यह P बटा क्यू के फॉर्म में हो। रेशनल नंबर का जो बेसिक फॉर्म होता है वह पी बाय क्यू, वेयर क्यू इज इक्वल नोट जीरो। जबकि इरेशनल नंबर का बेसिक फॉर्म होता है अंडर रूट पी, वेयर पी इज प्राइम नंबर। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या जीरो रेशनल नंबर है, क्या जीरो रेशनल नंबर है। तो जीरो इज ए होल नंबर, जीरो इज ए आप लिखेंगे जीरो इज ए होल नंबर, होल नंबर। तो डियर स्टूडेंट्स, होल नंबर, व्हाट इज द होल नंबर, विच नंबर इज द स्टार्ट फ्रॉम जीरो, विच नंबर इज स्टार्ट फ्रॉम जीरो, दैट कॉल्ड इज अ होल नंबर। तो जीरो क्या होल नंबर है, जीरो क्या रेशनल नंबर है, इट इज होल नंबर्स, बट वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, जीरो बाय वन, जीरो बटा दो, जीरो बटा तीन, ये सब आपका रेशनल नंबर का फॉर्म हुआ, जीरो बाय वन, जीरो बाय टू, जीरो बाय थ्री, पी बाय क्यू, पी बाय क्यू, पी बाय क्यू। सब में देख रहे हैं कि डोमिनेटर हमारा जीरो नहीं है, क्यू हमारा जीरो नहीं है। तो रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी क्या होता है, आप लोगों को हम क्लास एट में भी बताए थे कि पी और क्यू हमेशा यह अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। जैसे पी इंटू वन, क्यू इंटू वन, वन कॉमन, पी एंड क्यू हैव नो मोर देन वन फैक्टर, एक से ज्यादा फैक्टर नहीं होना चाहिए पी और क्यू, नंबर एक। नंबर दो, पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर, कहने का मतलब पी और क्यू का अगर आप एसीएफ निकालते हैं तो वन होता है। पी और क्यू का एसीएफ निकालेंगे तो इसका वन आएगा, विच पेयर एसीएफ ऑफ विच पेयर इज वन,
दैट पेयर इज द कॉल्ड को प्राइम नंबर, दैट पेयर इज द कॉल्ड को प्राइम नंबर। नंबर तीन, यह हमेशा अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। कहने का मतलब मानक रूप, जैसे 2/8, इसको फ्रैक्शन हम कहेंगे, इक्वावैलेंट टू रेशनल कहेंगे, लेकिन इसको जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लाएंगे तब तक यह रेशनल नहीं कहलाएगा। जैसे 2/8 इसको कटा दीजिए आप, सिंपलेस्ट फॉर्म में ला दीजिए तो 1/4, इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म भी कहते हैं, इसको हम लोग शॉर्टेस्ट फॉर्म भी कहते हैं, इसको हम लोग शॉर्टेस्ट फॉर्म भी कहते हैं। अब नेक्स्ट नंबर इसका प्रॉपर्टी है, ऐसे तो प्रॉपर्टी बहुत सारे हैं लेकिन एक प्रॉपर्टी मैं और बता रहा हूँ। नंबर 4 प्रॉपर्टी, डोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ निगेटिव इंटेजर्स। जैसे 3/-5 है, यह रेशनल है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में तभी कहेंगे इसको जब इसका -5 जो है वो कन्वर्ट करना होगा +5 में करना होगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉमन कोफिशियंट से क्या करते हैं, अंश और हर में गुना करते हैं। कॉमन कोफिशियंट से 3/-5 गुना -1 गुना -1 -3/5, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। 1/-2 ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, जब इसको रेशनल नंबर लिखेंगे तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। 1/-2 अंश में भी -1 से, हर में भी -1 से, -1/2, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। अब चलिए डियर स्टूडेंट्स, वी नो दैट देर आर इन्फिनिट नंबर ऑफ द रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। कहने का मतलब है कि 2 रेशनल नंबर के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। एनी इंटेजर्स, एनी होल नंबर्स, एनी पॉजिटिव इंटेजर्स, एनी निगेटिव इंटेजर्स, नेचुरल नंबर्स, वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q। एक्सेप्शन में आपका इरेशनल को छोड़कर रियल नंबर्स when write with the together irrationals, that collection is the called real number। रेशनल और इरेशनल नंबर के कलेक्शन को हम लोग रियल नंबर कहते हैं। तो जैसे मान लिया जाए, एक 2 नंबर का प्रश्न है कि फाइंड सिक्स रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। इसका आज हम 2 तरीका बता रहे हैं, ये 4 तरीके से बताएंगे, जो आपको सुविधाजनक होगा उसको आप बनाएंगे, अब सबसे पहले देखिए, यहाँ लिखिए 3, यहाँ लिखिए आपका 4 है, यहाँ 3 लिखे, यहाँ 4 लिखिए। मांग रहा है 6, तो 6 में +1 कर दीजिए, आपका हो गया 7 हो गया। तो 7 से डोमिनेटर में भी गुना कीजिए, इसका डोमिनेटर 1 मान लीजिए, 7 से इसमें भी गुना कीजिए, 7 से डोमिनेटर में गुना कीजिए, 7 से डोमिनेटर में गुना कीजिए, इधर आपका हो गया 21/7, इधर हो गया आपका 28/7। जितना डिमांडेशन किया जाएगा उससे 1 ज्यादा लीजिएगा, 6 रेशनल नंबर डिमांडेशन किया जा रहा है, 1 आपको ज्यादा लेना है, तो 7 हुआ। तो 3 एक रेशनल नंबर है, 3 इज द, वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q एज लाइक 3/1। 4 इज, 4 को भी हम क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट इन द फॉर्म बाय p/q 4/1, यह भी एक रेशनल नंबर हो गया। तो जितना डिमांडेशन है उससे 1 ज्यादा लेंगे, 7 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, नोमिनेटर और डोमिनेटर में 21/7, 21/28, यहां से हम बढ़ते हुए 21/7, 22/7, 23/7, 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 22/7, 27/7, देखिए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6
ये सिक्स स्टार नंबर। एक और बता रहे हैं हम इसका तरीका, एक और तरीका बता रहे हैं, तीन और चार के बीच में सिक्स रेशनल नंबर करना है। तो सबसे पहले देखिए हुच इज द ग्रेटर इंटेजर्स, कौन इसमें बड़ा इंटेजर्स है। जो इसमें बड़ा इंटेजर्स है उसको मान लीजिए वाई और स्मॉल इंटेजर्स को मान लीजिए एक्स। दो को आपको इंटेजर्स दिया हुआ रहेगा, चाहे वो फ्रैक्शन दिया हुआ रहेगा, तो आपको बड़े वाले को मान लेना है वाई, छोटे वाले को मान लेना है एक्स। सबसे पहले आप डी निकालेंगे। डी बराबर फॉर्मूला होता है वाई माइनस एक्स बटा एन प्लस वन। तो वाई का मान आपका देख रहे हैं चार माने हैं, ग्रेटर वाले को वाई माने हैं चार घटा और तीन, और हमारा नंबर ऑफ रेशनल कितना है सिक्स, तो एन के जगह पर आपको सिक्स लिखना है। सिक्स प्लस वन, चार में तीन गया एक, एक बटा सात। फर्स्ट रेशनल नंबर एक्स प्लस डी, एक्स माने हैं तीन को, डी हो गया वन बटा सात, सातिया इक्कीस एक बाईस बटा सात। दूसरा रेशनल नंबर के लिए एक्स प्लस टू डी, तीन प्लस टू डी गुना एक बटा सात, सातिया इक्कीस तेईस बटा सात। एक्स प्लस थ्री डी, तो तीन प्लस थ्री गुना एक बटा सात, सातिया इक्कीस चौबीस बटा सात। एक्स प्लस फोर डी, तीन प्लस चार गुना एक बटा सात, सातिया इक्कीस चार पच्चीस बटा सात। एक्स प्लस फाइव डी, तो तीन प्लस फाइव इंटू वन बाय सेव, सातिया इक्कीस छब्बीस बटा सात। एक्स प्लस सिक्स डी, तीन गुना सिक्स गुना एक बटा सात, सातिया इक्कीस सत्ताईस बटा सात। इस प्रकार से एक मेथड ये हुआ। दो मेथड हम और बताएंगे आपको, दो मेथड और बताएंगे। क्वेश्चन नंबर तीन में फिर आपका वही है कि फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन द तीन बाय चार एंड द फोर बाय फाइव। तो तीन बटा चार और फोर बाय फाइव, आपको रेशनल नंबर फाइव मांगा जा रहा है। तीन बटा, पहले तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि उसको एक समान हर वाले में सेम डोमिनेटर में क्या करना होगा, पहले आपको कन्वर्ट करना होगा। पहला मेथड बता रहे हैं। अच्छा, इस मेथड से अगर आप बनाते हैं, अच्छा इसी से बनाइए, तीन बाय चार, क्वेश्चन नंबर तीन, तीन बाय चार है और आपका है ये एक है चार बटा पांच, इसको सेम डोमिनेटर में कन्वर्ट कीजिए। तो एलसीएम, एलसीएम ऑफ फोर एंड फाइव, एलसीएम ऑफ फोर एंड फाइव आपका हो गया ट्वेंटी। ट्वेंटी में फोर से डिवाइड कीजिए, चार पंच बीस हुआ, तीन बटा चार गुना पांच कीजिए, तीन पचे पंद्रह बटा बीस हो गया। अब फिर चलिए इसके डोमिनेटर से बीस में भाग दीजिए, बीस भागा डोमिनेटर आपका चार हो गया, चार बटा पांच गुना चार ये हो गया सोलह बटा बीस। दोनों का सेम डोमिनेटर हो गया, दोनों का आपका सेम डोमिनेटर हो गया। अब कहा जा रहा है आपको कितना नंबर कहा जा रहा है, रेशनल नंबर कहा जा रहा है आपको पांच, आपको रेशनल नंबर पांच कहा जा रहा है। तब इसके पहले हम बताए थे एक अधिक कर देना है, पंद्रह बटा बीस इधर लिखिए आप, सोलह बटा बीस। इसमें भी पांच मांग रहा है तो छह से इसमें भी गुना कीजिए, नोमिनेटर में भी, डोमिनेटर में भी, नोमिनेटर में भी, डोमिनेटर में भी गुना कीजिए। पंद्रह छक्के नब्बे बटा एक सौ बीस इधर हो गया, सोलह छक्के छियानबे बटा एक सौ बीस, तन इक्यानबे बटा एक सौ बीस, बिरानबे बटा एक सौ बीस, तिरानबे बटा एक सौ बीस, चौरानबे बटा एक सौ बीस, पंचानवे बटा एक सौ बीस। देखिए तो कितना इजी तरीके से बन गया, और उस तरीके से ही बनाएंगे तो सेम वही आंसर आएगा। जो कि हम बड़े इंटेजर्स को हम मान लेंगे वाई और छोटे इंटेजर्स को हम मान लेंगे एक्स, लेकिन बड़ा छोटा का पता आप कैसे कीजिएगा, तीन बटा चार बराबर चार बटा पांच क्रॉस कीजिए, पांच दिया पंद्रह, चार चुका सोलह। देखिए तो ये पंद्रह सोलह बड़ा हो, ये ग्रेटर आपका है, चार बटा पांच जो है ग्रेटर्स है। क्रॉस प्रोडक्ट जिसका बड़ा होगा, क्रॉस प्रोडक्ट जिसका बड़ा होगा वह ग्रेटर इंटेजर्स होगा, ग्रेटर रेशनल होगा। तो हम देखिए इसमें हम क्या किए, तीन और चार और चार पांच, समस्या यह है कि दोनों का डोमिनेटर्स अलग अलग है, उसको सेम डोमिनेटर में करने के लिए पहले डोमिनेटर का एलसीएफ लिए, जैसा कि आप लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में पढ़े थे, बीस में चार से डिवाइड किए पांच हुआ, पांच से नोमिनेटर डोमिनेटर में गुना किए पंद्रह बटा बीस हुआ, फिर बीस से पांच में भाग दिए चार हुआ, चार बटा पांच में डोमिनेटर
चार बटा पांच के डोमिनेटर नोमिनेटर में चार से गुना किए 16/20 हुआ। इसके पहले हमने बताया था कि जितना डिमांडेशन होगा उससे एक ज्यादा बढ़ जाइएगा, पांच मांग रहा है छह से ऊपर नीचे गुना कीजिए, इसमें भी छह से नोमिनेटर डोमिनेटर में गुना कीजिए, यहाँ हुआ 90/120, वहाँ 96/120 और 91, 92, 93, 94, 95 तक लिख दीजिए, इस प्रकार से पांच हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तक, इसमें कितना क्वेश्चन है, चार क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन रह गया जो कि कल हम लोग अपने ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।